बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। टुडे वी आर स्टडिंग मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी। फॉर एग्जांपल, C12H22O11 प्लस H2O इन प्रेजेंस ऑफ HCl इट गिव्स द ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। इट हैड सुक्रोज इज हाइड्रोलाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ एसिड टू गिव द ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। Two molecules, one molecule of sucrose and one molecule of water is involved. Therefore, molecularity is 2. 1 plus 1 is equal to 2. Total number of molecules, total number of species, total number of ions involved in a chemical reaction, this is called a molecularity. Order of reaction, number of molecules involved in rate determining step is called the order of reaction. When a reaction takes place in more than one steps, then one of the step is slowest step. Slowest step is called the rate determining step. The number of molecules involved in the rate determining step is called order of reaction. Yeah, is tarah bhi aap define kar sakte hain. Number of molecules whose concentration alter as a result of chemical change is called order of reaction. Isko samjhane ke liye yahi hai ki ye glucose hai, isme water hum excess mein dal dete hain, to wo excess mein dala hua jo water hai uski concentration ko koi fark nahi padta. जैसे आप यूँ समझें कि एक समुंदर से एक गिलास पानी का भर लें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. तो वो एक्सेस में है, उसमें अगर 10-12 मॉलिक्यूल जब कुछ इन्वॉल्व भी हो जाते हैं, इसमें हिस्सा ले लेते हैं, 2-3 मॉलिक्यूल टूट जाते हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. वाटर की कंसनट्रेशन कॉन्स्टेंट रहती है, इसलिए इसका आर्डर फर्स्ट आएगा. ये फर्स्ट आर्डर रिएक्शन है, लेकिन इसकी मालिकुलरिटी 2 है. तो नंबर ऑफ मालिक्यूल्स हुज कंसनट्रेशन एल्टर एज रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज इज कॉल्ड आर्डर ऑफ रिएक्शन. या तीसरी डेफिनेशन ये मैंने लिखी है, सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इन द रेट इक्वेशन इज कॉल्ड आर्डर ऑफ रिएक्शन. रेट इक्वेशन जो है एक्सपेरिमेंट करने के बाद रेट के लिए एक वो उसका एक्सप्रेशन जो है एक्सपेरिमेंटल या एक उसकी इक्वेशन डेवलप करते हैं, उसे हम बोलते हैं रेट इक्वेशन. इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे. तो सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इन द रेट इक्वेशन इज कॉल्ड आर्डर ऑफ रिएक्शन. जैसे एक जनरल रिएक्शन है, ए मोल्स ऑफ ए प्लस बी मोल्स ऑफ बी टू प्रोडक्ट्स, रेट इज इक्वल टू के इंटू ए रेज टू एम एंड बी रेज टू एन. दिस इज द रेट इक्वेशन. एम ए के इक्वल भी हो सकता है और एम ए के इक्वल नहीं भी हो सकता. इसी तरह एन जो है वो बी के इक्वल हो सकता है और बी के इक्वल नहीं भी हो सकता. ज़रूरी नहीं है कि वो बी के इक्वल हो. इट डिपेंड्स ऑन द एक्सपेरिमेंट. अगर तो आप कंसनट्रेशन बढ़ाते हैं, कितने टाइम रेट बढ़ता है, तो उससे आपने इसको डिटरमिन करना है. ये हम लेटर डिस्कस करेंगे. आर्डर आपके पास आ जाएगा क्योंकि इसके एक्सपोनेंट क्या है, एक का एम है और इसका एन है, तो दोनों के हो जाएंगे एम प्लस एन. तो इसका आर्डर आ जाएगा एम प्लस एन. जबकि मॉलिक्यूलरिटी इसकी क्या है, ए मॉलिक्यूल्स इसके हैं, बी मॉलिक्यूल बी के हैं, तो ये आ जाएंगे ए प्लस बी. जैसे ये सुक्रोज की मैंने अगेन मिसाल दी दी है, वाटर आपके पास एक्सेस में है, तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनते हैं. तो आर्डर इज इक्वल टू 1. ये स्यूडो फर्स्ट आर्डर रिएक्शन कहलाते हैं, जिसमें दो मॉलिक्यूल हिस्सा लेते हैं लेकिन एक एक्सेस की वजह से इन्वॉल्व नहीं होता. इसको हम बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट आर्डर. ये हम लेटर डिस्कस करेंगे. सी प्लस एन ओ टू ये दूसरी मिसाल है, तो ये सी ओ टू और एन ओ बन जाते हैं. इसकी अगर रेट इक्वेशन लिखें तो ये आती है एन ओ टू रेज टू टू. अब सी ओ यहाँ पे नहीं लिखा क्योंकि कंसनट्रेशन सी ओ की बढ़ाते हैं, रेट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता. कम करते हैं फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता. एन ओ टू की कंसनट्रेशन बढ़ाते हैं तो रेट कंसनट्रेशन डबल करने से रेट जो है वो 4 गुना बढ़ जाता है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंसनट्रेशन को आपने डबल किया है तो रेट 4 गुना बढ़ा है. तो इसका मतलब सेकेंड पावर पर डिपेंड करता है जो रेट है वो कंसनट्रेशन की सेकेंड. अगर आप कंसनट्रेशन को डबल करते हैं और रेट 8 टाइम बढ़ जाए तो फिर इसका मतलब वो कंसंट्रेशन की थर्ड पावर पे डिपेंड कर रहा है. और अगर आप डबल करते हैं और रेट सिंपली डबल हो जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि वो कंसंट्रेशन की फर्स्ट पावर पे डिपेंड कर रहा है. ये फर्स्ट पावर ऑफ कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है. तो ये डिपेंड करता है एक्सपेरिमेंट के ऊपर कि आप जो है उसको वो क्या उसको साबित कर रहा है. तो ये इसमें ये पता चलता है कि जब एन ओ की कंसनट्रेशन हम एन ओ टू की डबल करते हैं तो रेट 4 गुना 4 टाइम बढ़ जाता है. इसलिए इसके स्केयर पे डिपेंड करता है कंसनट्रेशन पे. तो आर्डर आपके पास 2 आ जाएगा. मालिकुलरिटी इसकी क्या है, एक मालिक्यूल ये है,
एन सी ओ का और एक एन ओ टू का है, तो ये टू आ जाएगी। अब रेट इक्वेशन क्या है, ये है एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड अ एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंट करने के बाद जब अब रेट को लिखेंगे तो दिस इज कॉल्ड अ रेट इक्वेशन। कल ये इंशाल्लाह हम फिर नेक्स्ट इसको डिस्कस करेंगे, मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या फ़र्क है, रेट लॉ क्या है, रेट इक्वेशन क्या है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।